अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि यूट्यूब का जो सब्सक्राइब बटन का और बेल आइकॉन प्रेस करने का जो इंट्रो रहता है कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले, वो आप कैसे बना सकते हो, वो भी आपके मोबाइल पर। तो वो इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर। तो आप प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पे काइन मास्टर ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है इसलिए मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आपको जाना है। उसके बाद जो आपका चैनल है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब सब्सक्राइब किए बिना, मतलब ये मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे मतलब ये ऐसे मुझे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसका लेना है। मैं एक स्क्रीनशॉट लेके बता, तो ये ऐसे एक स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पे लेना है और दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है ये सब्सक्राइब करने के बाद इसका, और एक स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ से लेना है। तो ये दो स्क्रीनशॉट सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको ये जो काइन मास्टर का ऐप है वो आपको ओपन करना है। काइन मास्टर का ऐप ओपन करने के बाद आपको ऐसा इस तरह का कुछ इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। ये एक बार काइन मास्टर ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये प्लस का आइकॉन इस पर टैप करना है। इसके बाद आपको जो फ्रेम है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये यूट्यूब वीडियो के लिए जो फर्स्ट फ्रेम है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे आप फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो ये आपका काइन मास्टर ऐसे कुछ आपको दिखेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या, इमेजेस पे जाना है। इमेजेस पे जाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे अभी मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे टिक मार्क का और लोगो रहेगा, उसके ऊपर आपको टैप टैप करना है। तो ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ जो बैकग्राउंड है इसे आपको ड्रैग करके आपको जितना उसका लेंथ चाहिए उतना आपको यहाँ पे उसको इंक्रीज कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक PNG फॉर्मेट में, मतलब कोई भी मोबाइल का जो कवर रहता है वो आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा PNG फॉर्मेट में। उसे कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा उसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो वो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे लेयर पे टैप करना है। लेयर पे टैप करके मीडिया पे जाना है और जो कवर है उसे यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये कवर इंसर्ट कर लिया मोबाइल का, तो यहाँ पे आपको ठीक से इसे इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको जो कवर है उसको लास्ट तक एकदम ड्रैग करके लेना है वीडियो के एंड तक। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था सब्सक्राइब करने से पहले वाला, उसे आपको जाना है और उसे यहाँ से लेयर में जाके आपको उसे इंसर्ट करना है। तो ये जो मेरा स्क्रीनशॉट था सब्सक्राइब करने से पहले वाला, तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है मुझे उसे यहाँ पे ठीक से एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे बराबर एकदम कॉर्नर पे आपको एडजस्ट करना है स्क्रीनशॉट को। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है ये, तो यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिलेगा, ये क्रॉप करके भी आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो इसके कॉर्नर्स को। तो आप देख सकते हो ये अभी ठीक से हो गया है यहाँ पे एडजस्ट। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इसे फुल ड्रैग करके नहीं लेना है, इसे यहाँ तक कि इतना हाफ ही रखना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाके आपको एक फिंगर वाला जो इमोजी रहता है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इमोजी दिखा देता हूँ, तो
ये जो फिंगर वाला इमोजी है इसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे इसको एंटर करोगे आपको इसे बराबर जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसके यहाँ पर आके ड्रैग कर देना है। जैसे आप अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने ड्रैग किया हुआ है, तो उसे ड्रैग करने के बाद बराबर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ड्रैग करने के बाद उसको एक ओवरऑल एनिमेशन में जाके आप यहाँ पे जो स्क्वीशिंग वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये सब्सक्राइब के आइकॉन पे आपको टैप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलो इंसर्ट किया है वो जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे ही आपको लेयर में जाके जो आपने दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ से एंटर करना है, जो सब्सक्राइब होने के बाद वाला जो दिया था ये वाला, तो ये वाला आपको इंसर्ट करना है और इसे भी आपको बराबर वहाँ पे फ्रेम में ऐड कर देना है। तो मैं इसे अभी यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जो सेकंड वाला है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी आप वीडियो का प्रीव्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे टैप किया फिर ये चैनल सब्सक्राइब हो गया। तो इसके बाद आपको जो करना है वो बेल आइकॉन को प्रेस करने का जो इंट्रो है वो आपको बनाना है। तो उसके लिए क्या, ये तो जो सेकंड जो आपने जो सब्सक्राइब का जो बनाया हुआ है उसे आपको इतना बड़ा नहीं रखना है, उसे थोड़ा क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो सीजर का आइकॉन है इसे यहाँ पे आके ये राइट ट्रिम टू द राइट ऑफ प्लेयर इसे टैप करना है, तो ये क्रॉप हो जाएगा उसके आगे। उसके बाद आपको करना क्या है, ये सब्सक्राइब हो गया तो आप एक तो इसे क्रॉप कर सकते, नहीं तो आपको क्या करना है ये पूरा आपको यहाँ तक पूरा ट्रैक करके लेना है, इसको क्रॉप नहीं करना है सॉरी, यहाँ पर एंड तक ट्रैक करके लेना है। उसके बाद आपको जहाँ ये सब्सक्राइब हो जाता है वहाँ पे आपको एक बेल आइकॉन का आपको इमोजी ऐड करना पड़ेगा। तो जो बेल आइकॉन का इमोजी है उसके लिए आपको क्या है, फिर से लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, उसके बाद ये इमोजी पे जाके आपको यहाँ पे बेल आइकॉन का इमोजी है वो आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेल आइकॉन का जो इमोजी है उसे यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेल आइकॉन का इमोजी है, तो आपको ऐसे लोगों को बताना है कि यहाँ पे बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करो। तो बेल आइकॉन का इमोजी आपको इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा उसका साइज गेन करके यहाँ पे आपको बाजू में उसे रख देना है। ये बेल आइकॉन का इमोजी इंसर्ट करने के बाद आपको उसे भी एक एनिमेशन देना है, तो उसे आप ये ड्रिफ्टिंग वाला ये एनिमेशन दे सकते हो या आपको जो भी मतलब यहाँ से पसंद जो आए एनिमेशन वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग वाला एनिमेशन इसको दे रहा हूँ। इसको ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से मतलब ये सब्सक्राइब का बटन एंड हो चुका था वहाँ पे आके आपको और एक लेयर ऐड करना है। लेयर ऐड करने के लिए इसे आप यहाँ पे लेयर मतलब जहाँ से आपका जो बेल का आइकॉन दिखाई देना शुरू होता है वहाँ पे आपको और एक लेयर ऐड करना है। और ऐड करने के लिए आपको क्या है, टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके आपको फिर से वो फिंगर वाला जो इमोजी स्टार्टिंग में इंसर्ट किया था वो वाला फिर से आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब बेल आइकॉन के इस पे प्रेस करो ऐसा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेल आइकॉन के इधर आपको इसे प्लेस कर देना है। इसे यहाँ पे प्लेस करने के बाद आपको ओवरऑल एनिमेशन में जाके फिर से जो स्क्वीशिंग वाला जो था उसे आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंट्रो है वो सब्सक्राइब के बटन पे टैप किया फिर चैनल हो गया सब्सक्राइब। उसके बाद जो बेल आइकॉन का है उसे भी आपको टैप करना है। तो इस तरीके से आप ये आपका इंट्रो जो है वो ऑलरेडी पूरा बन चुका है।
तो आपको करना क्या है, अभी इसके ऊपर आपको आपका खुद का जो वॉइस है उसे यहाँ पे वॉइस ओवर आपको देना है। तो वॉइस ओवर देने के लिए क्या है कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको, तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी मतलब यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो आपको जो भी मतलब बोलना है मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, वो आपको यहाँ पे आपको सिर्फ आपके मोबाइल के माइक में बोलना है। तो आप जैसे वो बोलोगे तो यहाँ पे वो ऑडियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और जैसे जैसे आप जिस जिस बटन पर टैप करोगे उस हिसाब से आपको वो ऑडियो वहाँ पर आपका एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बेल आइकॉन का बटन आप इंट्रो जो वो बना सकते हैं आपके खुद के चैनल का। और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे ऊपर में एक एरो है उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट के ऑप्शन के इधर आपको टैप करना है, तो यहाँ पे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो। तो मोबाइल के बैकग्राउंड का जो कवर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है मोबाइल बैकग्राउंड PNG। तो आपको ये बैकग्राउंड PNG सर्च करना है। आप जैसे यूज करके आपको इमेजेस पे जाना है। आप इमेजेस पे जाने के बाद देखोगे तो आपको बहुत सारे जो बैकग्राउंड अवेलेबल है वो यहाँ पे आप दिखेंगे। तो आप में से कोई भी एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके उसे आप अपने वीडियो में मतलब यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको ऐसे इस तरीके से मोबाइल के बैकग्राउंड जो आपको डाउनलोड करें उसे सर्च क्या करना है, मोबाइल बैकग्राउंड PNG। तो मतलब PNG फॉर्मेट में रहेगा तो वही वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करके आपको उसे एज अ लेयर वीडियो में आपके एंटर करना है। तो इस तरीके से आप ये बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।